कालाडूंगी में विजय दिवस के अवसर पर 1971 की जंग में शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कालाडूंगी के रामलीला मैदान में पूर्व सैनिक उत्थान संगठन ने जवानों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। त्रिवेंद्र रावत और पूर्व सैनिकों ने शहीद जवानों को पुष्प चक्र अर्पित किए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में नैनीताल जिले से भी जवान शहीद हुए थे। इस युद्ध में भारतीय जवानों की वीरता का लोहा पूरे विश्व ने माना। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। तभी बांग्लादेश की स्थापना 16 दिसंबर 1971 को हुई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। कालाडूंगी से मुकेश छिमवाल की रिपोर्ट। आज 16 दिसंबर है और जो 1971 का युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसकी विजय का दिन है। वैसे पूरे देश में विजय दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है। आज यहाँ पर पूर्व सैनिकों के द्वारा ये यहाँ पर आयोजन किया गया, पूर्व सैनिक उत्थान संगठन के द्वारा, और अध्यक्ष है लक्ष्मण सिंह जी, उन्होंने आमंत्रित किया था। बहुत अच्छा है, हम अपने बलिदानियों को याद करते हैं। कोई देश अपने बलिदानियों को जब तक याद करता रहेगा तो देश के लिए कर गुजरने वालों की, देश के लिए मिटने वालों की कभी कमी नहीं होगी। हर वर्ष पूर्व सैनिक उत्थान संगठन कालाडूंगी की तरफ से विजय दिवस के अवसर पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। कोशिश यही रहती है कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ पे आके चीफ गेस्ट बने। इस बारी बड़ी खुशी हुई कि श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, उन्होंने समय निकाल के इस कार्यक्रम में शामिल होने का कष्ट किया। इस कार्यक्रम में जो वीर नारियाँ हैं और जो बाकी जो शहीद हुए हैं उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन हैं उनको सम्मानित किया जाता है एक टोकन गिफ्ट देके,